सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, मेरे काफ़ी सब्सक्राइब मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि भाई जो हमारी बाइक है उसमें एक दिक्कत आ रही है कि जो इसका फ्रंट एंड रियर व्हील है वो जाम होके चलता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि जो आपके टायर है वो जाम होके चल सकते हैं, और हमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए, मतलब हम अपनी बाइक को कैसे मेंटेन करें ताकि हमें ये दिक्कत ना आए। सो बेसिकली ये वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है। सो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर मेरी साइड से, आपके और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। सो ये मेरे नए साल की पहली वीडियो रहने वाली है। सो मुझे होप है कि आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों से जिनको ये दिक्कत आ रही है। सो करते हैं वीडियो को शुरू और वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो करते हैं वीडियो को शुरू। सो सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक का टायर एक बार दिखाता हूँ कि ये जाम है कि नहीं। सो एक बार मैं आपको टायर दिखा देता हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सो जैसे आपने देखा कि जो मेरा बैक टायर है वो फ्री नहीं है, मतलब फ्री है और टाइट नहीं है। सो सबसे पहले जो आपको बात चेक करनी है वो आपको जो आपके यहाँ पे आप चेक पा रहे होंगे, यहाँ पे दो बैरिंग लगे होते हैं, ठीक है, एक इस साइड एक दूसरी साइड। तो सबसे पहले आपको साइड प्ले चेक करनी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार आप देखते हैं, टायर में कोई भी साइड प्ले नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है जो आपके बैरिंग होते हैं वो घिस के लूज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो जो आपकी ग्रीसिंग वगैरह होती है वहाँ पर डस्ट चल जाती है, तो जो आपके बैरिंग होते हैं वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो आपके टायर होते हैं वो बिल्कुल जाम होके चलते हैं। तो जो दूसरी बात आपको चेक करनी है वो है आपकी चेन। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपकी चेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो जो आपकी चेन टाइट होती है तो उससे आपका जो टायर होता है वो बिल्कुल जाम होके चलता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मेरी चेन है लूज़ है, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, अच्छी है, मेंटेन है, बस थोड़ी सी गंदी होगी है। सो आपकी जो चेन है वो बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए। सो तीसरी बात आपको चेक करनी है वो है आपकी जो बैरिंग है, इसके जो ऑयल सील है ये ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर ये ओपन होगी तो जो धूल वगैरह है वो अंदर जा सकती है, और उसकी वजह से जो आपके बैरिंग है वो ख़राब हो सकते हैं, और बैरिंग ख़राब होंगे तो आपका जो टायर है बेसिकली वो जाम होके चल सकता है। और जो चौथी बात आपको चेक करनी है वो आपके डिस्क पैड्स। सो यहाँ पे आपके डिस्क पैड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, जो आपका मास्टर सिलेंडर होता है वहाँ पे एयर का बबल बन जाता है, और जो आपकी ब्रेक है वो बिल्कुल टाइट होके चलती है, ठीक है। अगर आपकी ब्रेक टाइट होके चली तो आपके जो लेदर है वो बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, और ये जो प्लेट है इसको आप जकड़ के रखेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो टायर है वो बिल्कुल जाम होके चलेगा। सो मेरी पिछली बार मेरी आगे वाला टायर में ऐसी दिक्कत थी, तो आपने शायद वीडियो देखी होगी। सो एक बार आपको ब्रेक भी चेक करवा लेनी है। सो एक Q&A वीडियो भी अपलोड हुई है, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अपनी सिटी का नाम मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से वीडियो देख पा रहे होंगे और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो गाइज, यही थी एक छोटी सी वीडियो, मे बी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आपको एक अंगूठे का निशान आपको दिख रहा होगा, उस पर एक बार टैप कर देना। तो ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, बस आप मुझे रिस्पॉन्स अच्छा करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।